Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज आपसे एक बहुत ही exciting अपडेट शेयर करना चाहता हूँ कि WaveLight Plus InnovEyes, जो चश्मा हटाने की सबसे लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, जिसको Alcon ने 2024 में लॉन्च करा था, आज की डेट में इकलौती रे ट्रेसिंग लेसिक टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट करती है, अब इस टेक्नोलॉजी को ऑफिशियली इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया है। अभी 3-4 दिन पहले AIOS APO की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से वीडियोस दिखाता हूं कि किस तरह से इसका एक ग्रैंड लॉन्च कॉन्फ्रेंस में करा गया था। So today marks the beginning of the new era in refractive laser vision correction with the launch of the WaveLight Plus. And super excited about this as we make this open and available for India. Thank you so much. Things have Guinness records to his name. The laser field. Dr. Rahil, on to the next one. Yes, definitely with WaveLight Plus. Awesome, super awesome. So he'll be one of the next highest users of WaveLight Plus technology. And you know, he's been a swift adopter of this, and I think we look forward to seeing more of success stories coming from you and, you know, maybe a couple of records from your side. Definitely. And I feel ray tracing technology with WaveLight Plus is here to stay. And for the first time, we are able to take the personalization to a level where we are giving our patients the advantage of 6-5, 6-4 and sometimes 6-3 vision. That is almost double of what a normal person can see. Awesome. So definitely looking forward to it, and we have been doing these procedures for the last 6 months now, and the results have been extraordinary. I've never seen such high quality vision in my patients ever before. So definitely this technology is here to stay and here to leave its mark forever. Coming from a Guinness record holder, thank you so much. Glad to share with all of you that WaveLight Plus is all the FDA approved, and today we have none other than Dr. Ronald Cougar, अच्छा, आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और समझाने वाला हूं कि ये रे ट्रेसिंग लेसिक टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और कैसे ये पुराने जो लेसिक टेक्नोलॉजीज थी, जैसे ट्रेडिशनल लेसिक था, वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक था, टोपो गाइडेड लेसिक था, इन सब से जो रे ट्रेसिंग लेसिक टेक्नोलॉजी है ये कैसे सुपीरियर हो गई है, ये मैं आपको थोड़ा सा आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूं। मैं आजकल YouTube वगैरह पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन वाले, कुछ मिसलीडिंग वीडियोस देख रहा हूं कस्टम आईज टेक्नोलॉजी को लेके, और इन वीडियोस में ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो कस्टम आईज वाली टेक्नोलॉजी है जिसको श्विंड ने मैन्युफैक्चर करा है, ये कस्टम आईज वाली टेक्नोलॉजी भी जो है ये रे ट्रेसिंग लेसिक की कैटेगरी में है। देखिए, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। कस्टम आईज जो है ये एक वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक वाली टेक्नोलॉजी है। वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक ऑलरेडी सारी लेसिक मशीन्स में एग्जिस्ट करता है, और अब श्विंड ने भी अपनी मशीन में वेव फ्रंट गाइडेड वाला ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और उसका नाम दिया है कस्टम आईज। तो कस्टम आईज, अगेन आई एम रिइटरेटिंग, कस्टम आईज जो है ये रे ट्रेसिंग लेसिक नहीं है, कस्टम आईज जो है ये वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक है। और मैं एक छोटा सा वीडियो भी यहां पे लगाना चाहता हूं जहां पे मिस्टर रुडोल्फ स्पिथ, जो हेड हैं श्विंड के, उन्होंने खुद बताया है कि कस्टमाइज वेव फ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी है। कस्टमाइज, वी आर टॉकिंग अबाउट वेव फ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी। So customized basically is the combination of sophisticated wavefront technology with our Schwind Amaris laser. और साथ ही मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कस्टम आईज की वेबसाइट का, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो Schwind कस्टमाइज है ये वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक की एक कैटेगरी का ऑपरेशन है। अच्छा, फिर ये जो कुछ मिसलीडिंग वीडियोस चल रही हैं कस्टमाइज के ऊपर, उसमें एक ब्रोशर दिखाया जा रहा है जिसमें छोटा सा एक जगह पे लिखा हुआ है रे ट्रेसिंग, उसकी भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं। देखिए, रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी जो है ना, ये पहले से ही यूज हो रही है। तो रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी अभी तक हम लोग डायग्नोस्टिक्स में यूज करते थे, और डायग्नोस्टिक्स के लिए हर कंपनी रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को आज की डेट में यूज कर रही है। तो जो कस्टम आईज भी रे ट्रेसिंग जहां पर उन्होंने लिखा है, वो बेसिकली डायग्नोस्टिक के लिए यूज हो रहा है।
लेकिन अब फर्स्ट टाइम 2024 में एल्कॉन ने वेवलाइट प्लस इनोवाइज से रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को लेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करा है। तो अभी तक रे ट्रेसिंग जो यूज हो रही थी वो डायग्नोस्टिक पार्ट था और अब हम ट्रीटमेंट में भी यूज कर रहे हैं। तो जो कस्टम आईज में रे ट्रेस यूज हो रहा है वो डायग्नोस्टिक के लिए यूज हो रहा है, ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट जो कस्टमाइज में हो रही है वो वेव फ्रंट गाइडेड वाली हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो ये बात आज की डेट में क्लियर है जब हम 2025 मार्च में ये वीडियो बना रहे हैं। आज की डेट में सिर्फ एक और ओनली वन रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है लेसिक के लिए और वो है वेवलाइट प्लस इनोवाइज। और इसको आप गूगल में कहीं भी जाके देख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं, जेन्युइन वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियोस देख लो आप, उन्होंने भी साफ बोल दिया है कि वेवफ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी है कस्टमाइज वाली। तो ये थोड़ा सा मुझे आपको क्लैरिटी देनी थी। सो अब ना मैं आपको थोड़ा सा रे ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और कैसे इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपनी पेशेंट की जो नजर है उसको 6.6 के बी बियॉन्ड, परफेक्ट के बी बियॉन्ड, 6.5, 6.4, 6.3 इस तरह की नजर हम पेशेंट को कैसे दे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक परफेक्ट आई, एक आइडियल आई कैसे काम करती है। देखिए, एक परफेक्ट आई जो होती है उसमें जो भी लाइट आंख के ऊपर आ रही होती है उन सब का फोकस बिल्कुल परफेक्टली बनता है एक जगह पर, आंख के पर्दे या रेटिना पे। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो पेशेंट की जो नजर है वो 6x6 से बेटर हो जाती है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। रियल आंख में क्या होता है, कुछ अब्रेशंस होते हैं, कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, कुछ HOAs होते हैं। इनकी वजह से जो लाइट आंख पर फॉल कर रही होती है उसका अच्छा फोकस बनता है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट फोकस नहीं बनता। इसलिए ऐसी आंख जो है ये 6x6 पड़ती है। अब क्या होता है, जब हम पुरानी टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन कर रहे थे, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल लेसिक हो गया, कस्टमाइज हो गया, कंट्यूरा हो गया, सिल्क हो गया, स्माइल हो गया, एपी कंट्यूरा हो गया, स्मार्ट सर्फ हो गया, स्मार्ट लेसिक हो गया, तो ये सारे ऑपरेशंस जो हैं इन अब्रेशंस को या HOAs को बढ़ा देते हैं। तो चश्मा तो हट जाता है लेकिन विजन की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंफीरियर हो जाती है। अब वेव लाइट प्लस इनोवाइज में क्या होता है, देखिए वेव लाइट प्लस इनोवाइज के जो दो मेन फीचर्स हैं वो है रे ट्रेसिंग एंड 3D आईवतार। ऑफकोर्स इसके बारे में पूरा डिटेल समझना है तो मैंने पूरा एक 40 मिनट का वीडियो बनाया है, रे ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूं कि रे ट्रेसिंग के हेल्प से और 3D आईवतार के हेल्प से हम आपका इस तरह का ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं वेवलाइट प्लस इनोवाइज में कि 100% लाइट जो आंख पर फॉल कर रही होती है वो बिल्कुल परफेक्टली फोकस बनाती है आपके रेटिना पे। और जैसे मैंने आपको बताया, जब इस तरह का मैं फोकस बना देता हूं जो एक तरह से आइडियल आई के साथ मैच करता है, तो मैं अपने पेशेंट्स को 6.6 से बियॉन्ड की नजर का एडवांटेज दे सकता हूं। तो ऑलमोस्ट 98% जो मेरे पेशेंट्स हैं वो 6.5 या उससे ऊपर देखते हैं। ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स जो हैं वो 6.4 या उससे ऊपर देखते हैं एंड ऑलमोस्ट 10% पेशेंट जो है वो 6.3 का मतलब होता है डबल नजर हो गई, नॉर्मल से डबल देख सकता है यहाँ पे इंसान। तो ऑलमोस्ट 10% लोग 6.3 नजर के साथ घर वापस जाते हैं। तो ये एडवांटेज है नई टेक्नोलॉजी का। दूसरा एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप अपना लेसिक ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं तो देखिए रे ट्रेसिंग लेसिक तो सिर्फ एल्कॉन में एग्जिस्ट करता है, बाकी मशीन्स में तो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन बाकी ट्रीटमेंट्स, ट्रेडिशनल लेसिक, वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक, टोपो गाइडेड लेसिक, ये तीनों ट्रीटमेंट्स
बाकी सारी मशीन्स पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स एल्कॉन की मशीन में तो हो ही सकता है, जर्मनी की मशीन है, लेकिन ये जाइस जो जर्मनी की मशीन है उसमें भी करा जा सकता है, नाइडेक जो जापान की मशीन है उसमें भी करा जा सकता है, बॉशनलॉम यूएसए, जेएनजे यूएसए एंड श्विंड। ये सारी ट्रीटमेंट्स जो पहली तीन ट्रीटमेंट्स है रे ट्रेसिंग को छोड़ के, ये तीनों ट्रीटमेंट्स आजकल हर मशीन में अवेलेबल है। तो इसमें बस थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि जब आप एक टेक्नोलॉजी को चूज करें तो थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखें। तो क्योंकि ये सारी मशीनें थोड़ा सा यूएस एफडीए से अप्रूव्ड हैं और श्विंड जो है ये यूएस एफडीए से अप्रूव नहीं है, ना श्विंड की मशीन एफडीए से अप्रूव्ड है, ना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एफडीए से अप्रूव्ड है, तो थोड़ा सा नॉन एफडीए टेक्नोलॉजीज को आज की डेट में जब हमारे पास एफडीए अप्रूव्ड अल्टरनेटिव्स हैं, थोड़ा सा इन सबको हम लोग आजकल अपने पेशेंट्स के लिए अवॉइड करना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको और क्लैरिटी मिली होगी कि रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी कैसे अब एक नया रेवोल्यूशन लाई है चश्मा हटाने के प्रोसीजर्स में, और आजकल हम अपने सारे पेशेंट्स को रे ट्रेसिंग का एडवांटेज देते हैं और एक बहुत ही हाई क्वालिटी विजन के साथ उनको घर एक बड़ी स्माइल के साथ वापस भेजते हैं।